नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 4 अगस्त 2022 से चाहे कोई आपके पैरों में ही क्यों ना गिर जाए, परंतु यह बात किसी को पता मत लगने देना। यह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाला दिन आपके जीवन में काफी बड़े बड़े बदलाव, काफी बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे पहले यदि इस दिन के पंचांग पर नजर डालें तो आपको बता दें, श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी इस दिन तिथि आ रही है। चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही दोस्तों साध्य योग बन रहा है। सूर्य इस दिन कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में संचार करने वाले हैं। ग्रह गोचर चारों ओर से बहुत अद्भुत, बहुत लाभदायक नजर आ रहा है। अब इसका पड़ रहा प्रभाव आपके जीवन को किस ओर ले जाएगा, कौन कौन सी सावधानियों का आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों से बचना होगा और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ वीडियो में बताया गया है। इसलिए अंत तक देखना ताकि महत्वपूर्ण जानकारी को आप अच्छे से प्राप्त कर सके। तो सर्वप्रथम माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, इसी पल लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके आने वाले दिन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटे कामकाज के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी बेहतर साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में इस दिन आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। साथ ही सहकर्मियों के साथ आपकी स्थिति और मजबूत होती हुई नजर आने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों दफ्तर में काम करने वाले जातकों के लिए दिन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। व्यापार से जुड़े जातकों को बता दे, छोटा मोटा मुनाफा हो सकता है। अगर आप बड़े फायदे की उम्मीद कर रहे हैं तो इस दिन आपको कोई बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप कोई बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बड़ा फायदा यदि आप खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो इस दिन आपको कोई बड़ा जोखिम लेना पड़ सकता है, कोई बड़ी रिस्क आपको उठानी पड़ सकती है और उससे आपको निश्चित अच्छा लाभ होगा। साथ ही दोस्तों, अगर काफी लंबे समय से आप परिश्रम करते आ रहे हैं तो इस दिन दोस्तों आपको अपनी मेहनत 2 गुनी से 4 गुनी कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके कर्मों की फाइल बहुत कमजोर है। यानी कि दोस्तों जीवन में आपने अच्छे कर्म बहुत कम किए होंगे, इस कारणवश भगवान जल्द से जल्द आपकी सहायता नहीं कर पा रहे। इसलिए दोस्तों अब आपको अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अब आपको डबल मेहनत करनी होगी और प्रयास करें कि हो सके तो इस दिन कुछ अच्छे कर्म आप कर पाए। जैसे कि दोस्तों यदि मुमकिन हो सके तो भूखों को भोजन कराए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आए, किसी की सहायता कर कर अपने कर्मों को मजबूत बनाए ताकि महादेव जल्द से जल्द आपके कामों को पार लगा सके। साथ ही दोस्तों बता दें, आज घर परिवार में पूजा पाठ हवन आदि का आयोजन रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप देखेंगे कि परिवार वालों के साथ यह दिन बहुत आनंद मंगल में गुजरेगा। आज आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं, अपने जो पितृदेव है आज उन्हें याद अवश्य करें, साथ ही उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ दोस्तों मानसिक रूप से आज आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। पैसों को लेकर दिन खर्चीला हो सकता है, परंतु यदि
आज आपने सही जगह खर्च करा होगा, सोच समझ कर खर्च किया होगा, तो वह धन पुनः लौट कर आपके पास आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन खर्च करने से पहले इस बात को परख लेना कि आप जहाँ खर्च करने वाले हैं, जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, वह जगह काम की है या नहीं है। सेहत को लेकर दोस्तों आपको बता दें, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। खास तौर पर दोस्तों, यदि आपको पहले से ही कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आज आपको उसे नज़रअंदाज करने की गलती नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको लंबे समय से समझाते आ रहे हैं कि काम के साथ साथ इस दिन आपको आराम पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, यदि आप लगातार बिना रुके अपने शरीर को कष्ट देते रहोगे और केवल काम काम काम, पैसा 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 करते रहोगे, तो जीवन में कभी भी सुख का प्राप्त, सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, पैसों के पीछे मत भागिए, पैसा कमाइए, वह भी आवश्यक है, परंतु उस पैसे को कमाकर अपने परिवार वालों के साथ खर्च करें, उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, उनके साथ समय व्यतीत करें, ताकि आपको अपनी मेहनत का जो फल है, अपनी मेहनत का जो आनंद है, जो सुख है, वह प्राप्त हो सके। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि हाल ही में आप किसी प्रकार का अपने स्वयं का कुछ नया व्यापार, कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, करने का सोच रहे हैं, योजना तैयार कर रहे हैं, तो दोस्तों दिन आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपके द्वारा की गई शुरुआत बहुत अच्छे लाभ आपको प्रदान करा सकती है। ऐसे में यदि आप स्वयं के लिए किसी प्रकार का कोई नया व्यापार खोज रहे हैं, कोई नया कारोबार काम धंधा खोज रहे हैं, तो आप वह फैसले इस दिन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, दफ्तर में काम करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही शुभ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लंबे समय से दफ्तर में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आने वाला यह दिन आपके लिए तरक्की लेकर आ रहा है। और यदि आप नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत मेहनत कर ली, परंतु अगर आपको किसी अच्छे पद पर कोई बढ़िया नौकरी, कोई बढ़िया जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आने वाला यह दिन दोस्तों आपके लिए बहुत सुनहरे सुनहरे मौके एवं सुनहरे सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि इस दिन किसी अच्छे पद पर आपकी नई जॉब लग सकती है, जिससे कि आपको आर्थिक सहारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपके जीवन में चलती आ रही कई सारी परेशानियों का भी हल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस दिन प्रयास करने से, कोशिश करने से पीछे न हटे। साथ ही विद्यार्थियों को बता दे, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कोई परीक्षाएं आने वाली है, तो आपको बता दे, कमजोर कमजोर विषयों पर इस दिन आपको अधिक ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन विषय में आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन विषय पर अब आने वाली परीक्षाओं में आपको अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, पेपर बहुत टफ आएगा, यह बात हम आपको पहले से ही बता दें, अभी से सचेत कर दें, इसलिए बाद में रोने धोने से अच्छा है कि आप अभी अपनी परीक्षाओं की डट कर तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी दोस्तों आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिख दे। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोजाना प्रतिदिन ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।